बढ़ते हैं आगे। पलामू के पाटन के तारदाग बघनमनवा गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला से मिलने आए उसके प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया। मामला पंचायत में पहुंचा। पंचायत में पति से ही महिला का सिंदूर धुलवाया गया और फिर उस महिला की शादी उसके प्रेमी से करवा दी गई। इस शादी पर पंचायत ने मुहर भी लगा दी। पति ने ही अपनी पत्नी को प्रेमिका से मिलवा दिया। दरअसल महिला के प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और इस बात को लेकर पंचायत बिठाई गई। पंचायत में महिला के पति ने ही उसका सिंदूर धोया और फिर उसे प्रेमी के हवाले कर दिया गया। पंचों की मौजूदगी में इस महिला की फिर से शादी उसके प्रेमिका से करवा दी गई। प्रेमी और प्रेमिका को मिलवा दिया गया और पंचायत ने इस शादी पर मुहर भी लगा दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उस पंचायत की तस्वीरें जहां एक पति द्वारा अपनी पत्नी का सिंदूर धोकर उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस पंचायत की तस्वीरें हैं जहां पत्नी के प्रेमी को जब गांव वालों ने पकड़ा तो उसके पति ने उसका सिंदूर धोया और फिर उसे प्रेमी के हवाले कर दिया। पंचों की मौजूदगी में इस शादीशुदा महिला की शादी उसके प्रेमी से करवा दी गई और पंचायत ने इस पर मुहर भी लगा दी। हमारे संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। संतोष, ये क्या चल रहा है? एक पति अपनी पत्नी का सिंदूर धोकर उसे प्रेमिका के हवाले कर रहा है पंचायत की मौजूदगी में, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले के बारे में। जी निश्चित रूप से, आपको बता दें कि ये खबर आई थी जहाँ पे एक पति जो है अपनी पत्नी का ही मांग का सिंदूर धोया जा रहा है, पंचायती करके, गांव का जो पंचायत होता है पंचायत करके। ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार की दोपहर को हुआ था, जिसका ये वीडियो जो है ये वायरल हुआ है आज, और इसकी सूचना भी आज पुलिस को मिली है। तो ये बता दें कि पाटन छतरपुर का जो सीमावर्ती इलाका है बघमनवा गांव की है, जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पे एक पति जो है अपनी पत्नी के ही मांग का सिंदूर धोते हुए नजर आया। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये प्रेमी को लेकर हुआ है, जो पत्नी थी वो किसी और से प्यार करती थी, प्रेमी आया था उसे जो है बंधक के रूप में उसे बांध के जो है पंचायत में लाया गया था। अब पूरा पंचायत नामा करते हुए सबकी स्वीकृति बयान के आधार पे, लिखित आधार पे जो है दोनों को फिर शादी की भी करवाई गई। तो ये एक घटना घटी है, यहाँ पे हुई है इस तरीके का। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना बहुत बाद में दी गई है और एक खुद गांव का जो पंचायत होता है पंचायत स्तर पे मामले को किया गया है। जी धन्यवाद संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत पर।